हेलो नमस्कार दोस्तों, म्यूचुअल फंड एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हरेंद्र आज आपको ऐसे फंड के बारे में बताऊंगा दोस्तों, जिसमें आप SIP से यदि इन्वेस्टमेंट करें तो आप एक अच्छा खासा जो है वेल्थ जो है क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के लिए सोचिए दोस्तों, शॉर्ट टर्म में आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जो है आपको जो है अच्छे रिटर्न कभी नहीं आप निकाल सकते हैं, और साथ ही दोस्तों आपको जो है रिस्क भी जो है शॉर्ट टर्म में जो है बना रहता है। दोस्तों आज जो फंड जिस फंड के बारे में आपको बताऊंगा ये है LNT का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। दोस्तों ये जो है थर्मेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्लास का फंड है, और LNT म्यूचुअल फंड जो AMC कंपनी है उसने जो है इस फंड को जो है निकाला है। दोस्तों इसमें क्रिसिल की यदि आप रेटिंग देखेंगे तो क्रिसिल ने भी इसको अच्छी रेटिंग दी हुई है। दोस्तों क्रिसिल जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, क्रिसिल एक संस्था है जो है इसके सेक्टर होल्डिंग और इसके लास्ट जो है 3 और 5 ईयर परफॉर्मेंस के हिसाब से जो है, और इसका पोर्टफोलियो जो फंड का पोर्टफोलियो होता है, एसेट एलोकेशन होता है वो किस तरह का है, उसके आधार पे जो है इसको जो है रेटिंग करती है। दोस्तों इसको क्रिसिल ने जो है नंबर वन जो है जो इसकी नंबर वन रैंकिंग है उस कैटेगरी में इस फंड को रखा हुआ है। यदि आप इसका परफॉर्मेंस मीटर देखेंगे तो इसको वेरी गुड मतलब इसने रिटर्न दिए हुए अकॉर्डिंग टू क्रिसिल। दोस्तों इसके 5 ईयर आप रिटर्न देखेंगे, यदि 2013 में आपने इसमें इन्वेस्ट किया है तो तब ये जो है करीब इसकी NAV जो है 5 के आसपास थी, और आप आज देखिए जो है ये 15 के आसपास होगी, यानी कि 3 गुना जो है इसका रिटर्न हो गया। तो दोस्तों यदि आपने 2013 में को जो है इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं तो आज जो है जुलाई 17 को जो है 3 लाख के करीब उसकी वैल्यू हो गई। दोस्तों यदि आपके रिटर्न पे आप इसको देखेंगे तो 1 मंथ 3 मंथ 5 6 मंथ 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर का यहाँ पे दिखाया है, और उसके हिसाब से इसको रेटिंग देखिए, इसकी रैंकिंग देखिए, तो आप देखेंगे कि इसको कितनी अच्छी रेटिंग जो है क्रिसल ने दी हुई है। यदि लॉन्ग टर्म आप 5 ईयर प्लस इसको होल्ड करके रखते हैं तो क्रिसल ने इसको 2 रैंकिंग दी हुई। आप क्वार्टरली यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो परफॉर्मेंस है, इसका रिटर्न जो है कैसा रहा। दोस्तों एक इसकी परफॉर्मेंस का यहाँ पे चार्ट है, यदि आप इसका एक बार इन्फॉर्मेशन जो है देख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन क्या है। ओपन एंडेड है, ग्रोथ फंड है, 6 सितंबर 2007 को यह लॉन्च हुआ, और इसमें मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है 5,000 है। आप SIP के थ्रू इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो मिनिमम आपको 1,000 रुपीज़ से स्टार्ट करना है। एसेट साइज जो है इसका 264 करोड़ रुपये है 31 मार्च 2017 को। दोस्तों इसमें जो फंड मैनेजर है SN लाहिरी है, और इसका परफॉर्मेंस चार्ट आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों इसमें एंट्रेंस लोड नहीं है, एग्जिट लोड जो है 1% है। यदि आप इसे 1 ईयर से पहले रिडीम या स्विच आउट करते हैं तो आपको NAV का 1% जो है देना होगा। इसका पेयर कंपैरिजन देख लेते हैं कौन से फंड हैं, तो यहाँ पर रिलायंस डाइवर्सिफाई पावर डायरेक्ट ग्रोथ है, ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, UTI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। दोस्तों ये सारे फंड जो हैं अच्छे रिटर्न जिन्होंने दिए हुए, आप उसका रिटर्न चार्ट भी आप सामने देख सकते हैं। पोर्टफोलियो जानना जरूरी होता है दोस्तों, पोर्टफोलियो से पता चलता है कि इसने कहाँ कितना पैसा होल्ड किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं लार्सन जो इंजीनियरिंग है, जैसे कि ये डाइवर्सिफाई फंड है, तो आप देख सकते हैं इसने अलग अलग सेक्टरों में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो इन्वेस्ट किया हुआ इसने, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का लिस्ट दिया हुआ, सीमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग है, टेलीकॉम है, ऑयल एंड गैस है, फूड एंड बेवरेज है, इस पे इन सेक्टरों पे इसने पैसा लगाया, कितना परसेंट लगाया हुआ एसेट का वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। सेक्टर एलोकेशन देखेंगे आप, इंजीनियरिंग, सीमेंट, रिटेल एंड रियल इस्टेट पे देखिए कितना परसेंट पैसा लगाया हुआ है। एसेट एलोकेशन पे देखते हैं इसने इक्विटीज़ में जो है 90.43% होल्ड किया हुआ है, अदर्स में जो है 0.17%, म्यूचुअल फंड में इसने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है, और कैश एंड कॉल में 9.39% जो है इसने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। दोस्तों ये हाई रिस्क फंड है, यदि आप इसमें SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप जो है आप इस रिस्क को जो है कम कर सकते हैं। यदि आप इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके ऊपर रिस्क जो है
बहुत रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको सुझाव करूंगा कि आप जो है इसमें जो है लमसम इन्वेस्टमेंट ना करके मंथली SIP करें। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट में आपको आप बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, बुरा लगा तो डिसलाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।